बिरजू तुम यहाँ? जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी, अब वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। तुम एक साल से कहाँ थे, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। भैया की मौत के बाद माँ का यहाँ रहना मुश्किल हो गया था। मेरी नौकरी ऑलरेडी शहर में लग चुकी थी, तो मैं उन्हें अपने साथ ही ले गया। वैसे भी हम लोग उस वक्त वैसे ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। ऐसे समय में मैं तुम्हारे पिता और भाइयों का सामना नहीं कर सकता था। अच्छी बात है, मेरी भी शादी धीरज के साथ तय कर दी है पिताजी ने। सगाई हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त है। बिरजू ये सुनकर एकदम से चौंक गया। धीरज केसरवानी, वो गुंडा, वही मिला था तुम्हारे पिता को शादी करवाने के लिए। वो और उसके मवाली दोस्त तो आते जाते लड़कियों को छेड़ा करते थे। वो हमारी बिरादरी का है और गांव में सबसे ज्यादा जमीन उसी के परिवार के पास है। फसल के देवता को हर साल फसल का सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी के घर से जाता है। ये सब देखकर ही मेरी शादी उससे करने का फैसला किया है मेरे पिता ने। तुम्हारे पिता ने क्या फैसला लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या तुम इस शादी के बाद खुश रहोगी? श्रुति गुस्से में लाल होती हुई बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी इतनी ही चिंता होती तुम्हें तो तुम पूरे साल के दौरान एक बार तो मुझसे मिलने आते। जानते हो कितना इंतजार किया था मैंने तुम्हारा। मैं भाग जाना चाहती थी तुम्हारे साथ, यहाँ इस गांव से और इन लोगों से दूर। बिरजू ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, वैसे अभी भी देर नहीं हुई है। मेरा रिश्ता हो चुका है बिरजू, अब अपने माँ बाप के मुंह पर कालिक पोत कर भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तुमने आने में देर कर दी। बिरजू को ऐसे लगा जैसे अंदर से किसी ने उसके दिल को भींच लिया हो। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। श्रुति वहां से जाने लगी, पर तभी अचानक धीरज वहां आ गया। धीरज के बगल में खड़े उसके चमचे अनुराग ने कहा, भाई ये बिरजू तो बहुत तेज निकला, आते ही आते भाभी जी से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर धीरज की मुट्ठी कस गई, उसकी आंखों में खून उतर आया था। श्रुति मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर उसी की तरफ बढ़ते हुए बोली, देखो धीरज, मैं समझ सकती हूँ कि तुम घर जाओ श्रुति। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं कहा ना घर जाओ। श्रुति बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से जाने लगी। बिरजू भी नीचे उतरने लगा। क्या बात है बिरजू बाबू, बड़े दिनों बाद गांव की तरफ आना हुआ। हाँ, कुछ सामान रह गया था, वही लेने में वापस आया था। क्या पक्के तौर पर यही बात है? क्या मतलब? मतलब यह बिरजू बाबू कि तुम्हारे और श्रुति के बारे में पूरे गांव को पता है। ऐसे में उससे शादी करने के लिए राजी होकर एक तरह से मैंने उसके परिवार को समाज में बदनाम होने से बचाया है। अब तुम्हारे एकदम से गांव लौटकर आने और इस तरह श्रुति से मिलने के बाद मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। श्रुति को लेकर मेरा कोई इरादा नहीं है, उसका मंदिर में मुझे मिलना महज एक इत्तिफाक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बस कुछ दिन के लिए गांव लौटा हूँ, उसके बाद वापस शहर चला जाऊंगा। वहां माँ भी अकेली ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। धीरज ने अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखकर कहा, अच्छी बात है। वैसे परसों पता है ना कि क्या है? मैंने अपना सारा बचपन इसी गांव में बिताया है धीरज, मुझे पता है कि परसों क्या है। वैसाख के 21वें दिन को सारे गांव वाले फसल देवता की पूजा करके उन्हें अपने फसल से कुछ भाग खास तौर पर अर्पण करते हैं। पूरे दिन उत्सव मनाने के बाद रात को 10 बजे से पहले सारे गांव वाले अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उसके बाद का वक्त देवता के भ्रमण करने के लिए उपयुक्त होता है। बिल्कुल सही,
मुझे लगा था कि शहर में रहकर तुम इस दिन के बारे में भूल गए होंगे। तुम्हारे भाई ने तो गांव में रहते हुए भी इसी रीति का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से बेचारे को फसल के देवता के क्रोध का सामना करना पड़ा। खैर, तुम इस बात का खास ख्याल रखना और परसों रात में घर से कहीं बाहर मत निकलना। इसे क्या पता कि मैंने खुद फसल देवता का सामना किया है। बिरजू वहां से सीधा गोलू के घर पहुंचा। बिनिया ने उसे खास तौर पर खाने पे बुलाया था। बिरजू भैया। अरे गोलू, कैसे हो तुम अब? भगवान का लाख लाख शुक्र है बिरजू भैया, अगर आप और अंगद भैया नहीं होते तो वह राक्षस मेरे बच्चे को खा जाता। नहीं दीदी, असल में गोलू को तो राजू ने ढूंढा था उस दिन, मैं तो बस उसे घर पहुंचाने आया था। उस रात जब मैं और अंगद इसे ढूंढने निकले थे तो मैंने देखा कि राजू इसे लेकर गांव की ओर बढ़ रहा था। क्या? लेकिन फिर उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं दीदी, मुझे भी माजरा समझ नहीं आया। खैर, बड़ी बात यह है कि आपका गोलू एकदम सही सलामत है आपके पास। अरे गोलू, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम फसल देवता से कैसे बचकर भागे। बिरजू भैया, फसल देवता बहुत बहुत बड़ा था, हमारे गांव के वो पुराने वाले नीम के पेड़ जितना बड़ा। मैंने जब उसे देखा तो मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। फिर मुझे किसी के बात करने की आवाज आई, बहुत हल्की हल्की, और कुछ देर बाद मैंने देखा कि राजू भैया मुझे उठाकर घर ले जा रहे थे। इतना खूंखार फसल का देवता, जिसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, उसने एक छोटे से बच्चे को जिंदा कैसे छोड़ दिया? और ऐन वक्त पे राजू का इतने बड़े जंगल में इसे ढूंढ निकाल लेना, क्या ये सच में महज एक इत्तफाक था? आखिर राजू का फसल देवता से क्या संबंध था, और आखिर फसल देवता ने गोलू की जान क्यों बख्शी थी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड, कहानी जारी रहेगी। एपिसोड पसंद आया तो जरूर करें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।